राम राम सभी पशुपालक भाइयों को और किसान भाइयों को। तो आज हम बात करेंगे पशुओं के हरे चारे के बारे में, भाई पशुओं को किस तरह का हरा चारा दें ताकि उसके अंदर प्रोटीन है, फाइबर है, अलग अलग पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। और आज हम जो बात करेंगे जॉइंट किंग जिसको नाम बोलते हैं अनूप जी, तो उसके अंदर लगभग लगभग 20-22% तक प्रोटीन पाया जाता है। और जैसे हम प्रोटीन की पूर्ति के लिए पशु को खल डालते हैं, चने जिसके कपास की खल है, सरसम की खल है, तो उसके अंदर लगभग लगभग 35% प्रोटीन पाया जाता है। तो ऐसा हरा चारा के बारे में बात करेंगे जिसके लगाने का तरीका बताएंगे और किस तरह से इसके लगाया जाता है और किस तरह से पशुओं को डाला जाता है। तो अनूप जी आज हम जो ये घास लगा रहे हैं, हाँ जी, तो ये नर्सरी तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, ये नर्सरी तैयार हो रही है इसकी। तो आने वाले टाइम में यहाँ से इसको उठा करके और दूसरी जगह लगाओगे क्या? ऐसा होता है जी, किसी किसान के पास अगर खाली जगह नहीं है, हाँ, 2-3 महीने बाद उसके पास खाली जगह होगी, वो तो पहले नर्सरी तैयार कर सकता है। अच्छा, नर्सरी पहले तैयार करके वहाँ पर स्टिक से लगाओगे, स्टिक 20-25 दिन में जर्मिनेशन लेगी और एक पौधा तैयार हुआ लगाओगे जल्दी ग्रोथ कर जाएगा, वो जल्दी ग्रोथ हो जाएगा। हाँ, तो अब ये लगा, आप लगा रहे हो जैसे ये लेटा के लगाई, ये लेटा कर बिल्कुल इनकी दूरी जो है बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ये तो कोई दिक्कत नहीं, नर्सरी तैयार करनी है बिल्कुल साथ साथ में लगाई हुई है इस तरह से। कुछ देखो, कुछ साथी ऐसे लगाते हैं खड़ा इसको, हाँ, नर्सरी को, हाँ, ये गांठ कई बार ये गांठ जर्मिनेशन नहीं लेती है और ये ऊपर वाले ले लेती है, फिर दिक्कत हो जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है। लटा के लगाओगे तो अपनी दोनों गांठे जर्मिनेशन लेंगी, जमीन के अंदर रहेंगी, मिट्टी के अंदर। अच्छा, तो इसको यहाँ से मतलब आगे जब जमीन खाली होगी, सरसम है जैसे हमारे इधर सरसम लगी हुई है, तो इसकी जगह हम लगा सकते हैं। हाँ, इसकी जगह इसको, और वहाँ से फिर जल्दी ग्रोथ करेगी। हाँ, जल्दी ग्रोथ करेगी। तो इसकी मड़ी आप बताइए, इसमें ना थोड़ी जगह में है, संभाल हो जाएगी इसकी। अच्छा, पौधे मरेंगे नहीं, 100% जर्मिनेशन होता है। अच्छा, छोटी क्यारी है, कितनी क्यारी दूरी इसकी? देखो आप, ये छोटी सी क्यारी है, तो इसके अंदर लगभग लगभग 1 किले की, हाँ, 1 एकड़ का, 1 एकड़ का बीज तैयार हो जाएगा। और आने 1-1.5 महीने बाद इसको शिफ्ट कर देंगे, और शिफ्ट करने के बाद फिर कितने दिन में तैयार हो जाएगी ये? 2 महीने में तैयार हो जाएगी। 2 महीने में तैयार हो जाएगी पहली कटिंग, 2 महीने में, उसके बाद 30-35 दिन में जी। तो इसके अंदर अच्छा, क्या क्या खासियत है? इसके अंदर प्रोटीन 20-22% है जी, शुगर लेवल भी अच्छा है, शुगर लेवल भी अच्छा, फाइबर भी है, फाइबर भी है। जैसे आप पशुओं को दाना दे रहे हो, हाँ, तो आधा दाने देने की जरूरत है ये देने के बाद। अच्छा, दाना जो पशु को देते हैं हम, खल चूरी जो देते हैं, बिनोला दे रहे हैं, बिनोला दे रहे हैं, उसकी बचत हो जाएगी। हाँ, बचत हो जाएगी, और उसकी जगह ही हरा चारा हम दे सकते हैं। हाँ जी, और इसका ना 1 एकड़ में 3500 स्टिक लगेंगी, 3500 स्टिक लगेंगी इसकी। तो इसकी दूरी कितनी होगी लगाने के बाद? 5x3 जी। 5x मतलब समझाइए मरा, ये देखो जैसे ये इधर लगा दिया, हाँ, ये किधर लगा दी 3 पे। अच्छा, ये तो इधर लाइन से लाइन को आपको 5 फुट का फासला रखना है जी। अच्छा, 5 फुट से चौड़ाई होनी चाहिए इसकी, लाइन से लाइन तो 5 फुट, 5 फुट पौधे से पौधा 3 फुट, और पौधे से पौधा यहाँ से पौधे से पौधा 3 फुट की लंबाई होनी चाहिए, और इधर से चौड़ाई 5 फुट की चौड़ाई होनी चाहिए। हाँ। तो इसका बढ़वार फिर बाद में अब ज्यादा फुट ज्यादा लेता है जी। इसकी लंबाई 15 फुट के आसपास होती है जी, 15 फुट के आसपास इसकी लंबाई हो जाती है। और उसके बाद इसको जो हम चराते हैं, काटते हैं, कटिंग करने के बाद जो दोबारा फुटाव आता है जी, वो कितने दिन में आ जाता है? 30-35 दिन में जी। 30-35 दिन में दोबारा फुटाव आ जाता है, खिलाने लायक हो जाता है, खिलाने के लायक हो जाता है, 5-6 फुट की हाइट हो जाती है उसकी। तो इससे फिर जमीन की बचत भी होती होगी। हाँ, जमीन की बचत, जो सर्दियों में अगर इसकी ग्रोथ थोड़ी कम रहती है कि, तो आप छोटी फसलें ले सकते हैं, जैसे मूंग हो गया, तिल हो गया। अच्छा, वो ले सकते नहीं? हम गेहूं भी लगा सकते हैं। हम बरसीन लगाते हैं पशुओं के लिए, उसकी लंबाई कम होती है और उसकी जमीन ज्यादा हमें एक्वायर करनी पड़ती है, नहीं और इसकी लंबाई ज्यादा होती है, तो जमीन की मतलब जो हम रोकनी चाहते हैं उसकी बचत होगी, जमीन बचत हो जाएगी, जमीन की बचत भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी, दोनों इसके साथ हो सकती है, दोनों इसके साथ। और हम जैसे 1 एकड़ में हरा चारा पशुओं के लिए बोते हैं तो ये 1/2 एकड़ में काम चल सकता है, 1/2 एकड़ में चल जाएगा जी। तो देखिए साथियों, अगर आपको ये एक सुपर नेपियर से सस्ता पड़ता है जी, सुपर नेपियर से सस्ता पड़ता है, स्टिक रेट तो इसका 5 रुपए स्टिक है। अच्छा, लेकिन ये 7,500-3,500 स्टिक लगती है 1 एकड़ में। अच्छा, तो 17,500 की है, 17,500 रुपए की। अगर आप सुपर नेपियर लगाते हो तो 2 रुपए स्टिक भी लगाओगे ना उसका, तो 11,000 स्टिक लगेंगे 1 एकड़ में, तो 22,000 रुपए का है। अच्छा, 22,000 रुपए का, और ये 17,000 रुपए की, सस्ता पड़ रहा है उससे, ये उससे सस्ता पड़ रहा है, प्रोटीन भी थोड़ा ज्यादा, प्रोटीन इससे ज्यादा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इससे पशु दूध ज्यादा देता है, दूध देता है, क्रीम देता है, जैसे पशु के दूध के अंदर जो फैट नहीं आए, फैट भी बढ़ाता है, फैट भी बढ़ाता है। हाँ। तो अगर किसान भाइयों, अगर आपको पशुओं के हरे चारे के बारे में लेनी हो, ज़्यादा बात करनी हो, तो आपको स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिखाई देगा, उस पे आप कॉन्टैक्ट करके
इसकी स्टिक ले सकते हैं। और भी हमारे पास यहाँ पर लगभग लगभग 15 प्रकार का पशुओं का हरा चारा, जैसे गाय घास है और सुपर बुल्ट है, सुपर नेपियर वन है, सुपर नेपियर टू है जी, सुपर नेपियर सिक्स है, सुपर नेपियर टेन है। तो आगे दूसरे महीने से, अब दूसरे तीसरे महीने से इसकी लगाई स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको ज़रूरत है लेने की तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी पशुपालक भाइयों को, सभी किसान भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल।